नमस्कार, मैं गरिमा, ये है जागो हिमाचल 365 टीवी। डर के नहीं डटके, और आप देख रहे हैं हिंदकुश न्यूज़। बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की तरफ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन आज, दोपहर तक लौटेंगे हिमाचल। बयान बना देश का पहला गांव जहां 18 आयु वर्ग से पार कोई कोरोना की सुई से नहीं बचा। पीएम मोदी ने दिखाया विपक्ष और राज्यों को आईना, अब केंद्र ने उठाई वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी। हिमाचल में 10वीं के परिणाम में प्री बोर्ड परीक्षा बनेगी आधार, मेरिट सूचना भी जारी करेगा बोर्ड। स्वास्थ्य मंत्री ने शुरू किया आयुष घर द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण। बल पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार व्यक्ति से बरामद की चिट्टे की बड़ी खेप, आधी रात को की कार्यवाही। जिला कांगड़ा में आज 64 केंद्रों में होगा कोविड-19 टीकाकरण। जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी का मुफ्त वैक्सीनेशन देने के लिए आभार जताया, हिमाचल के बचेंगे 500 करोड़। कुल्लू में पहाड़ी पर बनेगा बिलासपुर लेह रेलवे लाइन का सबसे लंबा पुल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन आज दोपहर तक लौटेंगे हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है। मुख्यमंत्री मंगलवार सुबह केंद्रीय मंत्रियों व पार्टी नेताओं के साथ कर मुलाकात कर सकते हैं। जयराम ठाकुर विभिन्न नेताओं से प्रदेश के जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। सीएम का आज दिल्ली दौरे से लौटने का कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री दोपहर तक हिमाचल लौटेंगे। मुख्यमंत्री ने सोमवार को नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की। उन्होंने बताया मंडी हवाई अड्डे का LIDAR सर्वेक्षण 7 जून 2021 से शुरू होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को प्रस्तावित मंडी हवाई अड्डे के निर्माण के लिए किए जा रहे अनुकरण अभ्यास में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बयान बना देश का पहला गांव जहां 18 आयु वर्ग से पार कोई कोरोना की सुई से नहीं बचा। उत्तर कश्मीर में दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसा बयान यूं तो देश के पिछड़े गांव में गिना जाता है, लेकिन कोरोना टीकाकरण के मामले में ये सबसे आगे है। गांव में 18 आयु वर्ग के पार को अब ऐसा कोई नहीं है जिसने कोरोना वैक्सीन की पहली या फिर दोनों डोज ना ली हो। इस उपलब्धि ने इस गांव को देश का पहला गांव बना दिया है। इसका श्रेय जम्मू कश्मीर में अपनाए गए टीकाकरण के मॉडल को जाता है। इस मॉडल के तहत प्रशासन ने ग्रामीण के टीकाकरण केंद्र में पहुँचने तक इंतजार करने के बजाय उन तक खुद पहुँच टीका लगाने के कार्य योजना पर काम किया। पीएम मोदी ने दिखाया विपक्ष और राज्यों को आईना, अब केंद्र ने उठाई वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी। 18 से 44 की उम्र वालों के टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़े जाने के बाद फैली अव्यवस्था और राजनीतिक बयानबाजी के बाद केंद्र ने ही वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी उठा ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 18 से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए अब केंद्र ही वैक्सीन खरीदेगा और मुफ्त में राज्यों को देगा। 21 जून यानी योग दिवस से 18 पार के सभी लोगों का केंद्र की ओर से मुफ्त टीकाकरण होने लगेगा। पीएम ने परोक्ष तौर पर विपक्ष को सख्त संदेश देते हुए कहा कि वैक्सीन पर भ्रम न फैलाएं और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ न करें। हिमाचल में 10वीं के परिणाम में प्री बोर्ड परीक्षा बनेगी आधार, मेरिट सूची भी जारी करेगा बोर्ड। प्रदेश सरकार के अध्यक्ष पर हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इस पर 9 जून से काम शुरू हो जाएगा। नियमों के हिसाब से अंक सूची तैयार होने के बाद जुलाई के पहले सप्ताह शिक्षा बोर्ड परिणाम घोषित करेगा। प्रमोट करने के लिए 7 मापदंड तय किए गए हैं और इनमें प्री बोर्ड परीक्षा के परिणाम का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहेगा। प्री बोर्ड के सबसे अधिक 20 अंक लगेंगे। इसके अलावा 9वीं कक्षा का परिणाम 10वीं के फर्स्ट व सेकंड टर्म और 13 अप्रैल को हुए हिंदी विषय के पेपर के अलावा प्रैक्टिकल परीक्षा व इंटरनल असेसमेंट के अंकों को भी आधार बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने शुरू किया आयुष घर द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण। स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने प्रदेश में सोमवार को आयुष घर द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इसके तहत पोस्ट कोविड आयुष रिहैबिलिटेशन के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आयुष आर्ट ऑफ लिविंग और योग भारती के माध्यम से रोग की रोकथाम और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कोविड मरीजों को मानसिक तनाव को दूर करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। आयुष घर द्वार के प्रथम चरण को सफल आयोजन के बाद दूसरा चरण शुरू किया गया है। बल पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार व्यक्ति से बरामद की चिट्टे की बड़ी खेप, आधी रात को की कार्यवाही। जिला मंडी में पुलिस ने चिट्टे की बड़ी खेप बरामद की है। बल पुलिस थाना की टीम ने चिट्टा तस्कर पर नकेल कसते हुए 70.90 ग्राम खेप बरामद की है। पुलिस ने नशे की खेप समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्यवाही देर रात को की है। आरोपित स्कॉर्पियो गाड़ी में नशे की खेप लेकर जा रहा था।
आरोपित 37 वर्षीय वीरेंद्र उर्फ बबलू निवासी गांव रोपड़ी ढाकर बग्गी तहसील बल जिला मंडी का रहने वाला है। वह देर रात को अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में जा रहा था। बल पुलिस ने नाके के दौरान जब गाड़ी को रोका, उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 70.59 ग्राम चिट्टे की खेप बरामद हुई। इससे पहले ही बल पुलिस ने 300 ग्राम के अधिक चिट्टा पकड़ा था। उसके बाद चरस की बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी। चिट्टे की इतनी बड़ी खेप को युवक कहां से लाया और कहां ले जा रहा था, पुलिस इसकी जानबीन कर रही है। एएसपी मंडी आशीष शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। बता दें कि पुलिस ने 2 दिन पहले भी एक आरोपित को 8.73 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा था। जिला कांगड़ा में आज 64 केंद्रों में होगा कोविड-19 टीकाकरण। जिला कांगड़ा में आज 64 केंद्रों में टीकाकरण किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया, जिला में पहले के मुकाबले प्रतिदिन आने वाले संक्रमित रोगियों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि सतर्कता जारी रखें और कोविड-19 नियमों की अवहेलना ना करें। लगातार कोविड-19 नियमों की पालना सुरक्षा के लिए जरूरी है। 2 गज दूरी रखें, बार बार हाथों को साबुन से धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें। सबसे जरूरी, मास्क जरूर पहने, बिना मास्क के ना रहें, ये खतरनाक हो सकता है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों से भी दूर रहें, ये आपकी व दूसरों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी का मुफ्त वैक्सीनेशन देने के लिए आभार जताया। हिमाचल के बचेंगे 500 करोड़। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 जून से सभी राज्यों को 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण के लिए मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश के 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए टीकाकरण सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने आगामी दिनों में वैक्सीन की आपूर्ति में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व के कारण ही पिछले वर्ष देश कोरोना महामारी की पहली लहर से निपटने में सफल रहा और उम्मीद जताई है कि देश जल्द ही इस महामारी की दूसरी लहर से सफलतापूर्वक बाहर निकलेगा। निजी अस्पतालों की ओर से 25% वैक्सीन प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित मूल्य पर खरीदने की निर्णय को जारी रखने से निजी अस्पतालों के माध्यम से अधिक लोगों को टीकाकरण करने में सहायता मिलेगी। कुल्लू में पहाड़ी पर बनेगा बिलासपुर लेह रेल लाइन का सबसे लंबा पुल। स्मारक महत्व की बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन परियोजना का सबसे लंबा पुल कुल्लू के नगर में करजन गांव में बनेगा। इस पुल की लंबाई 1.2 किलोमीटर होगी। यह पुल किसी नदी पर नहीं बल्कि एक पहाड़ी पर बनेगा। उत्तर रेलवे ने बिलासपुर से लेह तक सर्वे और अलाइनमेंट रिफाइनमेंट का कार्य पूरा कर लिया है। विशेषज्ञों ने परियोजनाओं की अलाइनमेंट भी लीडार सर्वे के आधार पर फाइनल कर दी है। अब विशेषज्ञ इसमें बनने वाले पुलों और टनलों के डिजाइनों पर कार्य कर रहे हैं। स्मारक व्यापारिक और पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रक्षा मंत्रालय की परियोजना की DPR दिसंबर 2021 तक तैयार की जानी है। जल ही जीवन है हेल्पलाइन शुरू। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैंस क्लब हमीरपुर की कुछ पंचायतों में पानी की भारी किल्लत होने की जैसे ही जानकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैंस क्लब के सदस्यों को लगी तो सब ने मिलकर वहां आसपास के क्षेत्रों में पानी के टैंकर का इंतजाम किया। क्लब के सदस्यों ने कहा कि एक तो मौसम गर्मी का है, दूसरा महामारी का, तो इसमें पानी एक बहुत ही अभिन्न कड़ी का रूप निभा रही है। क्योंकि समय गर्मी का है, इसलिए फैंस क्लब के सदस्यों ने आज अघार पंचायत के रोपा बस्ती और धनेड़ पंचायत के डलाशी गांव में भी लोगों को पानी पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई। इस मौके पर क्लब के सदस्य श्री रमन शर्मा ने खुशी राज डेनी जी, सुनील जी मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने फैंस क्लब की निःशुल्क जल ही जीवन सेवा फोन लाइन 9857046220 को लोगों के साथ आदान प्रदान किया ताकि अगर भविष्य में भी किसी भी तरह की इस महामारी के दौरान जल की समस्या होती है तो लोगों को पीने के पानी का उपलब्ध करवाया जाए। धन्यवाद और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज़ के साथ। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। दिस इज हिमाचल 365 टीवी एंड यू आर वाचिंग हिलक्विस्ट न्यूज। आई एम गरिमा। मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं मोनिका राणा, यह है जागो हिमाचल 365, डर के नहीं डटके, और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों के साथ। बद्दी ट्रक यूनियन के पार्किंग में खड़े 2 ट्रक जले, अचानक भड़की लपटों से लाखों का नुकसान। शहर के अंदर दोबारा से दुकानदारी सजाए तो होगी कार्रवाई, मंडी प्रशासन की सीधी 2 टूक। शिमला में गुड़िया मामले में दोषी की सजा पर सुनवाई 15 जून तक टली।
कोरोना काल में एक और झटका, सरकारी सीमेंट 12 रुपए महंगा। राज्यों को आबादी और मरीजों के हिसाब से मिलेगी वैक्सीन, दूसरी डोज वालों को प्राथमिकता। वुहान लैब से ही लीक हुआ था कोरोना वायरस, अमेरिकी रिपोर्ट ने दावे पर लगाई मुहर। उद्धव और मोदी की मुलाकात, मैं नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था, पीएम संग रिश्तों के सवाल पर बोले ठाकरे। सीरिया में एक दिन में आतंकियों ने 45 बार किया हमला, रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। राजस्थान में 45 डिग्री तापमान में 25 किलोमीटर पैदल चली, पानी न मिलने से 6 साल की बच्ची की मौत। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की परपोती को जेल, 3 करोड़ रुपए की थी धोखाधड़ी। अब खबरें विस्तार से। बद्दी ट्रक यूनियन के पार्किंग में खड़े दो ट्रक जले, अचानक भड़की लपटों से लाखों का नुकसान। औद्योगिक कस्बे बद्दी में ट्रक यूनियन की पार्किंग में खड़े दो ट्रकों में अचानक आग लग गई। आग जाने से दोनों ट्रक पूरी तरह जल गए हैं, जिससे लाखों के नुकसान का अनुमान है। एक ट्रक में इन्वर्टर लदे थे। दमकल कर्मियों ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दमकल अधिकारी बद्दी कुलदीप ने बताया कि शाम के करीब 6:30 बजे ट्रक यूनियन की पार्किंग में खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। आग ने कुछ ही पलों में बगल में मौजूद दूसरे ट्रक को भी अपनी चपेट में ले लिया। दमकल कर्मियों ने घटना की सूचना मिलते ही तुरंत घटना स्थल का रुख किया और 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। एक ट्रक में लोड 28 लाख के इन्वर्टर भी प्रभावित हुए हैं। शहर के अंदर दोबारा से दुकानदारी सजाई तो होगी कार्रवाई, मंडी प्रशासन की सीधी दो टूक। मंडी शहर में मंगलवार को नगर निगम द्वारा फुटपाथ पर लगाई गई रेडी फड़ी, नो वेडिंग जोन व दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर सिकंजा कसा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान कुछ लोगों ने शहर के अंदर अतिक्रमण कर सब्जी फल की दुकानें लगाना शुरू कर दी थी, जिन्हें प्रशासन द्वारा पूरा बाजार खुलने के बाद दुकानें न लगाने के आदेश जारी किए गए थे। आज नगर निगम व पुलिस प्रशासन द्वारा इन दुकानदारों को अंतिम चेतावनी दी गई और कहा गया कि कल से कोई भी दुकानदार अतिक्रमण करता हुआ पाया जाता है तो उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं नगर निगम के उप महापौर बीरेंद्र भट्ट ने कहा कि कुछ दिनों से शहर के फुटपाथ पर रेहड़ी फड़ी व सब्जियों की दुकानें अवैध रूप से लगाई जा रही हैं, इससे आम लोगों को चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतें मिलने के बाद आज नगर निगम और पुलिस संयुक्त कार्रवाई करते हुए सभी अतिक्रमण धारकों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कल से कोई भी दुकानदार अतिक्रमण करता हुआ और रेहड़ी फड़ी वाले अवैध रूप से फुटपाथ पर दुकानदारी करते हुए पाए गए तो उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। शिमला में गुड़िया मामले में दोषी की सजा पर सुनवाई 15 जून तक टली। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में दोषी करार दिए गए नीलू के सजा पर सुनवाई मंगलवार को कोरोना कर्फ्यू के चलते 15 जून तक टल गई है। गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड में सीबीआई की ओर से पेश चालान में दोषी साबित हुए चरानी अनिल उर्फ नीलू को शिमला की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था। अब दोषी के सजा पर फैसला होना बाकी है। कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते आरोपी को न्यायालय जाना मुश्किल है, इस कारण फिर इस मामले की सुनवाई 15 जून तक टल गई है। बता दें, जिला शिमला के कोटखाई की एक छात्रा 4 जुलाई 2017 को लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का शव मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा के दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। कोरोना काल में एक और झटका, सरकारी सीमेंट 12 रुपए महंगा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में एक और झटका लगा है। सरकारी सीमेंट करीब 12 रुपए प्रति बैग महंगा हो गया है। इसे मनरेगा कार्य से लेकर लेनिविम के भवन, पुल और अन्य निर्माण कार्य करना महंगा हो गया है। पिछले माह एसीसी सीमेंट का सरकारी दाम 324 रुपए प्रति बैग था, अब ये बढ़कर 336 रुपए 22 पैसे हो गया है। मनरेगा के कार्यों में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट के रेट भी 7 रुपए तक बढ़ गए हैं। सिविल सप्लाई की ओर से मिलने वाले सरकारी सीमेंट के रेट बढ़ने से सरकारी भवनों, पुलों और अन्य विकासात्मक कार्य करने के वाले लोगों में रोष है। लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान महंगाई बढ़ने से लोग पहले ही परेशान हैं। पेट्रोल और डीजल के बाद सरसों तेल और रिफाइंड के दामों में उछाल आया है, इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ा है। अब अचानक सरकारी सीमेंट के दाम भी बढ़ गए हैं।
रेट बढ़ाने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि मालवाहक वाहनों का भाड़ा बढ़ने से ऐसा किया गया है। स्थानीय निवासी जसपाल प्रेमलाल निकाराम तथा जगदीश शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में सरकारी सीमेंट का रेट 336 रुपए प्रति बैग हो गया है। इससे सरकारी क्षेत्र में निर्माण करना महंगा हो गया है। मनरेगा का निर्माण कार्यों पर भी इसका असर पड़ेगा। एसीसी के साथ अंबुजा तथा अल्ट्राटेक सीमेंट के रेटों में भी बढ़ोतरी हुई है। उधर सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के एरिया मैनेजर पंकज शर्मा ने कहा कि हर साल सभी तरह के सीमेंट के रेट बढ़ते हैं। इस बार कोरोना के कारण जनवरी के बजाय अप्रैल से सीमेंट के रेटों में वृद्धि हुई है। राज्यों को आबादी और मरीजों के हिसाब से मिलेगी वैक्सीन, दूसरी डोज वालों को प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के ठीक एक दिन बाद भारत सरकार ने टीकाकरण अभियान की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माता कंपनियों से 75% वैक्सीन खरीदकर मुफ्त में राज्य को देगी। हालांकि निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत दवा बनाने वाली कंपनियां ही तय करेंगी। केंद्र की तरफ से राज्यों को जितनी वैक्सीन मिलेगी उसके हिसाब से राज्य सरकारें जिलों को वैक्सीन बांटेगी। यहां स्वास्थ्य कर्मचारी सबसे ऊपर होंगे। इसके बाद 45 उम्र वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें दूसरी खुराक मिलनी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अंत में 18 प्लस लोगों को वैक्सीन लगाने का नंबर आएगा। 18 प्लस लोगों को वैक्सीन के लिए राज्य सरकार को खुद से प्राथमिकता तय करनी होगी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि केंद्र राज्यों की जनसंख्या, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की डोज आवंटित की जाएगी। वैक्सीन की बर्बादी का आवंटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वुहान लैब से ही लीक हुआ था कोरोना वायरस, अमेरिकी रिपोर्ट ने दावे पर लगाई मुहर। चीन से निकलकर पिछले 1.5 साल से कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। कोरोना महामारी से अब तक दुनिया भर में करोड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं और लाखों लोग की जान चली गई है। लेकिन अब तक दुनिया इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई। हाल ही में एक नए अध्ययन में दावे के साथ कहा गया है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान की उसी लैब में बना था जिस पर दुनिया का शक है। लेकिन अब अमेरिकी लैब की एक रिपोर्ट ने इस पर मुहर भी लगा दी है। अमेरिकी सरकार कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च करवा रही है। इसकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के चीन की वुहान लैब से लीक होने की संभावना अधिक है। साथ ही कहा गया है कि इस पर आगे भी जांच की जानी चाहिए। अमेरिकी समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में के मुताबिक इस अध्ययन को मई 2020 के कैलिफोर्निया में लॉरेंस लेवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने रिसर्च पर काम करना शुरू किया था। ट्रंप के हटने से ठीक पहले स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से वायरस के मूल स्रोत को लेकर जांच करने के आदेश दिए थे। उद्धव और मोदी की मुलाकात में नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था, पीएम संगरिष्ठों के सवाल पर बोले ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार यानी कि आज दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी से रिश्तों और मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल पर उद्धव ठाकरे ने बेबाकी से जवाब दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भले ही राजनीतिक रूप से साथ नहीं है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। मैं कोई नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था, इसलिए यदि मैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करता हूँ तो इसमें गलत क्या है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम से मुलाकात के बाद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे सभी बातों को गंभीरता पूर्वक सुना। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण, जीएसटी समेत कई संवेदनशील मुद्दों पर वार्ता हुई। पीएम मोदी और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की यह मुलाकात काफी अहम है। मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे के बीच ये दूसरी मुलाकात है। सीरिया में इदलिब के संघर्ष विराम वाले क्षेत्र में जबात अल नुसरा आतंकवादी समूह ने पिछले 24 घंटे में 45 बार गोलाबारी की। रूसी रक्षा मंत्रालय ने फेसबुक पर जारी बयान में यह जानकारी दी। सीरिया में विरोधी पक्षों के सुलह के लिए मंत्रालय के केंद्र ने एक ब्रीफिंग में कहा कि इदलिब के संघर्ष विराम वाले क्षेत्र में आतंकवादी समूह जवाद अल नुसरा की ओर से 45 हमले दर्ज किए गए। इनमें से 23 हमले इदलिब प्रांत में, 9 हमले लताकिया प्रांत में, 4 हमले अलेपो प्रांत में तथा हमा प्रांत में 9 हमले दर्ज किए गए।
उसने कहा कि सीरियाई पक्षों के आंकड़ों के अनुसार हमलों की संख्या कुल 36 थी। केंद्र ने कहा कि पिछले दिनों तुर्की द्वारा नियंत्रित सक्रिय अवैध सशस्त्र समूहों द्वारा हमलों की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। सीरियाई अरब गणराज्य के शरणार्थियों के आंदोलन पर विरोधी पक्षों के सुलह और नियंत्रण के लिए रूसी रक्षा मंत्रालय का केंद्र फरवरी 2016 में स्थापित किया गया था। इसके कार्यों में अवैध सशस्त्र समूहों और व्यक्तिगत वस्तियों पर समझौतों पर हस्ताक्षर करना शामिल है, जो शत्रुता की समाप्ति के शासन में शामिल है। राजस्थान में 45 डिग्री तापमान में 25 किलोमीटर पैदल चली, पानी न मिलने से 6 साल के बच्चे की मौत। सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत दुनिया के आधुनिक देशों के साथ विकास की दौड़ में लगा है। आधुनिकता के तमाम दावों के बीच अभी भी ऐसी कुछ घटनाएं सामने आती हैं जो शर्म से सर को झुका देती हैं। राजस्थान के जालौर जिले में कुछ ऐसे ही घटना है, जहां तपती धूप में सफर कर रही एक 6 साल के बच्चे की पानी न मिलने से मौत हो गई। बच्ची अपनी नानी के साथ थी, वो भी बेहोश हो गई थी। ये मामला राजस्थान के जालौर जिले के रानीवाड़ा इलाके का है, जहां रविवार को रेतीले टीलों में एक बच्चे की मौत हो गई। बच्ची अपनी नानी के साथ थी, यहां 45 डिग्री का तापमान था और गर्म टीलों का सफर हो रहा था। जब ग्रामीणों को इनका पता लगा तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची, बुजुर्ग को पानी पिलाया और अस्पताल में भर्ती किया। वहीं मासूम के शव को भी अस्पताल ले जाया गया, वहां उसका पोस्टमार्टम हुआ और मौत का कारण पानी न मिलना ही निकला। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की परपोती को जेल 3 करोड़ रुपए की थी धोखाधड़ी। महात्मा गांधी की परपोती आशीष लता राम गोवन 56 वर्षीय को दक्षिण अफ्रीका में 7 साल की जेल हुई है। डरबन की एक अदालत में 60 लाख रैंड यानी कि 3.22 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में उन्हें सजा सुनाई। इस केस में वे 2015 से जमानत पर थी। लता राम गोविंद गांधी जी की परपोती और मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता इला गांधी और मेवा राम गोविंद की बेटी हैं। मेवा राम गोविंद का निधन हो चुका है। इला गांधी को भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों देशों में राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है। दक्षिण अफ्रीका के बड़े उद्योगपति एसआर महाराज ने आशीष लता पर जालसाजी का केस किया था। महाराज की न्यू अफ्रीका एयरलाइंस फुटवेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स नाम की कंपनी है, जो जूते चप्पल कपड़े और लिनन के आयात बिक्री और मेकिंग का काम करती है। उनकी कंपनी प्रॉफिट मार्जिन के तहत दूसरी कंपनियों की आर्थिक मदद भी करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्रेस्ट न्यूज चैनल। धन्यवाद। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। दिस इज हिमाचल 365 टीवी एंड यू आर वाचिंग हिलक्रेस्ट न्यूज। आई एम गरिमा। मैं शिल्पा शर्मा। मैं मोनिका राणा। मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्रेस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्रेस्ट न्यूज के साथ।